नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम गहिरे और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आप विंडोज 11 को ऑफिशियल तरीके से किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो उसके ISO फाइल, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप किस तरीके से उस ISO फाइल का बूटेबल पेन ड्राइव बनाकर अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने इस फाइल को डाउनलोड किया था दोस्तों, अभी हमें चाहिए बूटेबल पेन ड्राइव। तो हमें जो हमारी जो फाइल है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाओगे उसकी साइज है 4 GB। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे तो हमें एटलीस्ट जो है 8 GB का पेन ड्राइव लगेगा दोस्तों, अगर हम इसकी बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर सिस्टम से जो है 8 GB के पेन ड्राइव जो है उसे कनेक्ट कर दिया है, आप यहाँ पर देख पाओगे, और उसे हमने फॉर्मेट भी कर लिया है। कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मेट कर लेना है उसे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग प्रोसेस हो रही है, तब तक हम वेट करते हैं। फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद में अगर हम इसे बूटेबल बनाना चाहते हैं तो हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, जिसका नाम है रूफोस। ठीक है, उसे आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना है। गूगल से डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल गूगल में आ जाना है और यहाँ पर टाइप करना है रूफोस। ठीक है, रूफोस इस तरीके से टाइप करना है और एंटर कर देना है। सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी rufus.ie की, तो यहाँ पर आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके का विंडोज पेज ओपन आपके पास में हो जाएगा दोस्तों। सिंपल आपके पास में जो डाउनलोड का ऑप्शन है उसे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख पाओगे रूफोस 3.15, जहाँ पर जो लेटेस्ट वाला वर्जन है वो हम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर हमने इसे डाउनलोड किया है, इसे हम क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पाओगे हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। तो सिंपली हम इसे कट करके डेस्कटॉप पर ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इस वाले पेज को तो है हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में आपको करना क्या है दोस्तों, आपका जो पेन ड्राइव है उसे आपको कंप्यूटर सिस्टम से जो है लगा लेना है और सिंपल आपको इस वाले सॉफ्टवेयर को रन करना है। तो यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं तो आपके पास में कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आएगा, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपका जो पेन ड्राइव लगा हुआ है वो डिटेक्ट कर लेगा दोस्तों। आप यहाँ पर देख पाओगे जैसे कि हमारे केस में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में बूट सेक्शन में आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपको वो ISO फाइल जो सेलेक्ट करनी है जो कि आपने डाउनलोड की थी, जैसे कि यहाँ पर विंडोज 11। ठीक है, और इसे आपको ओपन करना, तो यहाँ पर हमने ISO फाइल भी सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद में ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि आपको पार्टीशंस की, मतलब आपको यहाँ पर MBR और GPT दो पार्टीशन स्टाइल्स दिखाई देंगी। ठीक है, तो आपका सिस्टम जो है MBR होगा तो आपको MBR सेलेक्ट कर लेना है, या फिर अगर आपका सिस्टम जो है GPT होगा तो GPT सेलेक्ट कर लेना है। अभी आपको यहाँ पर पता नहीं होगा दोस्तों कि आपका सिस्टम जो है MBR है या फिर GPT है, तो वो आप किस तरीके से पता लगा सकते हो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाकर रखी है, जो आपको ऊपर आई बटन में इस वीडियो के स्क्रीन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो आप उसे वॉच कर लीजिए, आपका सिस्टम कौन से पार्टीशन स्टाइल का है उसे पता कर लीजिए, और फिर आप उस स्टाइल का जो है यहाँ पर पेन ड्राइव बना सकते हो। जैसे कि हमारे केस में हमारा सिस्टम GPT पार्टीशन स्टाइल का है, तो हम यहाँ पर GPT सेलेक्ट करते हैं। इसे आपको UEFI ही रखना है, बाकी सिस्टम जो है जो आपको सेटिंग है वो डिफॉल्ट रखनी है, और सिंपल आपको यहाँ पर स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि अगर आपके पेन ड्राइव में कोई डाटा होगा तो वो आपका इरेज होगा, आप उसे फर्स्ट फॉर्मेट कर लीजिए। बट हमने ऑलरेडी फॉर्मेट करके रखा है हमारा पेन ड्राइव, तो हम इसे ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देख पाओगे हमारे पास में जो है वो बूटेबल पेन ड्राइव की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें इसे कंप्लीट होने देना है। यहाँ पर जो ये दिखा रहा है दोस्तों परसेंटेज में, इसे 100% होने तक हम वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 100% हमारा होते ही आया है, तो थोड़ा हम और वेट कर लेते हैं। तो 100% हो जाने के बाद में यहाँ पर आप ग्रीन लाइन में देख पाओगे दोस्तों रेडी का ऑप्शन हमें दिखा रहा है, मतलब हमारा बूटेबल पेन ड्राइव जो है वो पूरी तरीके से बूट होने के लिए रेडी है दोस्तों। ठीक है, सिंपली हमें इसे अभी क्लोज कर देना है, और उसके बाद में हम यहाँ पर चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे बूटेबल पेन ड्राइव जो है वो हमारा बनकर रेडी है दोस्तों। ठीक है, तो अभी आगे मैं आपको बताता हूँ कि इस बूटेबल पेन ड्राइव को हम किस तरीके से सिस्टम पर इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है उसे हम हमारे लैपटॉप में इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, हमारा लैपटॉप जो है रिस्टार्ट कर लेना है, तो हम हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट कर लेते हैं।
रिस्टार्ट करने के बाद में हमारे पास में दोस्तों जो है गेमिंग लैपटॉप है लिनोवो का लीजन, ठीक है। तो उसकी बूटिंग शॉर्टकट की है F12, ठीक है। तो जैसे ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम रिस्टार्ट होता है उस टाइम हम जो है F12 बटन प्रेस करते रहते हैं तो हमारी बूट डिवाइस प्रायोरिटी की एक विंडो आ जाएगी दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे। तो सेकंड नंबर पर जो हमारा USB बूटेबल पेन ड्राइव दिखाई दे रहा है उसे हमें सेलेक्ट करना है, तो हम इस पर आकर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बूटेबल पेन ड्राइव हमने बनाया था वो बूट होने लगेगा दोस्तों, तो हमें उतना वेट कर लेना है। यहाँ पर हमारा जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो बूट हो रहा है दोस्तों, तो हम वेट कर लेते हैं। इसके बाद में आगे की जो प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी दोस्तों, यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख पाओगे यूनाइटेड स्टेट ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है दोस्तों, और यहाँ पर हम जो है सिर्फ इसे नेक्स्ट करते हैं। ये जो डिफॉल्ट जो सेट होता है वही आपको रहने देना है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर विंडोज का जो एक ऑप्शन दिखाई देगा इंस्टॉल का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है स्टेट सेटअप जो है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पर ये लाइसेंस एग्रीमेंट मांगता है, तो यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करके हमें नेक्स्ट करना है। इसके बाद में हमें यहाँ पे कस्टम के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है हमारा जो लिनोवो लीजन जो गेमिंग लैपटॉप है ये वाला, इसमें जो है विंडोज का प्री इंस्टॉल लाइसेंस की आती है दोस्तों, ठीक है। तो जिस लैपटॉप में ऑलरेडी लाइसेंस की विंडोज की आई हुई होगी उसमें जो है आपको लाइसेंस की विंडोज 11 नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप कोई क्रैक वर्जन यूज कर रहे होगे विंडोज 10 का प्रीवियस, या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ में अगर विंडोज नहीं आई हुई होगी तो यहाँ पर आपको जो है लाइसेंस के लिए मांगेगा दोस्तों, मतलब की एंटर करने के लिए मांगेगा इसके प्रीवियस स्टेप में, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से। बट घबराइएगा मत दोस्तों, यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि एंटर लाइसेंस की और नीचे के साइड में आप देख पाओगे आई डोंट हैव लाइसेंस की। तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए कि आई डोंट हैव लाइसेंस की। बट हमारे केस में यहाँ पर जो है हमारा जो प्री इंस्टॉल लाइसेंस है दोस्तों विंडोज का, तो यहाँ पर हमें की नहीं मांगा है उसने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है अभी सी ड्राइव सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमारी ये सी ड्राइव है SSD, तो इसे हम फॉर्मेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फॉर्मेटिंग की प्रोसेस हमने लगा दी है, तो यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है वो फॉर्मेट हो चुका है सी ड्राइव, तो उस पर अभी हम विंडोज को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इस पर हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर विंडोज की फाइल कॉपिंग हो रही है दोस्तों, तब के लिए आपको वेट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर 90% से भी ज्यादा जो है इंस्टॉलेशन की फाइल्स रेडी हो चुकी है, तो 100% होने तक हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद में इंस्टॉलिंग फीचर भी होने लगेंगे। अभी यहाँ पर इंस्टॉलेशन फीचर्स भी हो गया है दोस्तों, और इंस्टॉलिंग कुछ अपडेट्स होंगे, तो ये फॉर्मेलिटीज जो है इस सेटअप की होने देनी है। उसके बाद में फिनिशिंग होगा यहाँ पर आपका, और उसके बाद में आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से मैन्युअली भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर 4:32 दिखा रहा है वो आउट में आप भी हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो है आपको विंडोज 11 का ऑप्शन जो है वो चूज कर लेना है, ये बाय डिफॉल्ट होता है बट आपको चूज कर लेना है। ये जो सारी फॉर्मेलिटीज होती है दोस्तों इंस्टॉलेशन के वक्त, उसे आपको ऑटोमेटिकली होने देना है। यहाँ पर आप देख पाओगे दोस्तों कितना क्लीन इंस्टॉलेशन विंडोज का यहाँ पर आया है। यहाँ पर हमें जो है कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बता रहा है, बट यहाँ पर आप यूनाइटेड स्टेट ही रहने दीजिए और इसे यस कर दीजिए। यस करने के बाद में यहाँ पर कीबोर्ड का लेआउट मांगेगा वो, तो यहाँ पर आप US ही रहने दीजिए और यस कर दीजिए। यहाँ पर एड सेकंड लेआउट में यहाँ पर मांगेगा, तो फिलहाल के लिए हम इसे स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद में यहाँ पर ये इंटरनेट कनेक्शन मांगेगा दोस्तों। इंटरनेट अगर आपके पास में होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पर जो है अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ओपन करके जो है इसे कनेक्ट कर लीजिए इंटरनेट को, ठीक है। तो हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और हमारी यहाँ पर जो है वाईफाई राउटर की प्राइवेट जो सिक्योरिटी की है उसे एंटर करते हैं। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद में दोस्तों हॉटस्पॉट के थ्रू यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन जो है आपका जो है इनेबल हो जाएगा, इसे आप नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर ये चेकिंग अपडेट्स करेगा, तो इसे आपको होने देना है।
यहाँ पर दोस्तों अपडेट्स चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर पीसी का नाम दे देना है कोई भी, तो हम यहाँ पर हमारा नाम दे देते हैं जैसे कि शिवम पीसी। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना पीसी का एक नाम दे दिया है और यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं, या फिर आप चाहो तो स्किप नाउ के बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। तो नेक्स्ट के बटन पे हमने क्लिक कर दिया है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर सेटिंग अप्लाई होगी, तो उसके लिए आपको वेट करना है। सेटिंग अप्लाई होने के बाद में आपका कंप्यूटर सिस्टम फिर से रिस्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली, तो आपको घबराना नहीं है, कोई भी यहाँ पर की जो है प्रेस नहीं करनी है, या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम की पावर भी ऑफ नहीं करनी है। ये जो सारी इंस्टॉलेशन की फॉर्मेलिटीज होती है ये ऑटोमेटिकली आपको होने देनी है। यहाँ पर अगर आपके पास में कोई माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होगा दोस्तों, तो आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट से आपके साइन इन कर सकते हो, या फिर अगर यहाँ पर नहीं होगा तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आप एक बना लीजिए, उसके बाद में साइन इन कर लीजिए। तो हम यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो है उसे लॉग इन करते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड भी आपको एंटर करके साइन इन कर लेना है। चलिए यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमें एक पिन क्रिएट करना होगा दोस्तों, जो कि रिकवरी पिन होता है, तो हम सिंपल क्रिएट पिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद में जो है हम यहाँ पर पिन को एंटर करेंगे। हमारा जो पर्सनल पिन होगा वो हम यहाँ पर एंटर करते हैं। आप कोई भी 4 डिजिट पिन यहाँ पर रख सकते हो और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में ये सभी जो यहाँ पर ऑप्शंस आपको प्राइवेसी सेटिंग के बारे में मिलते हैं, आप इसे रीड कर सकते हो, इतनी ज़्यादा भी ये नहीं है, इसे आप इनेबल भी रख सकते हो, या फिर अगर सेटअप के बाद में भी हम इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, तो सिंपली अगर ये इनेबल होंगे तो रहने दीजिए और सिंपली एक्सेप्ट कर दीजिए। यहाँ पर चाहो तो आप स्किप का बटन अगले स्टेप्स पे जो है फॉलो कर सकते हो, हम फिलहाल यहाँ पर स्किप कर देते हैं। बैकअप के लिए भी यहाँ पर ये मांगेगा, अगर आपका सिस्टम के लिए आप बैकअप चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या फिर डोंट बैकअप फाइल्स भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर कुछ ये माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स है दोस्तों, तो यहाँ पर इसे जो है फ्री में आप यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा नो थैंक्स आप कर दीजिए, अदरवाइज जो है आपका वक्त भी जाया होगा और यहाँ पर इन ऐप्स को आप चाहो तो बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हो, तो हम इसे नो थैंक्स कर देते हैं। अभी एप्स के अपडेट्स को चेक करेगा, तो वेट कर लेते हैं। चलिए अपडेट होने के बाद में हमें कीन क्लीन जो है विंडोज इंस्टॉलेशन मिलता है विंडोज 11 का। ठीक है, सीधा आप देख पाओगे यहाँ पर अभी हमें विंडोज का जो है डेस्कटॉप देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर अदर फॉर्मेलिटीज नहीं होगी तो। आपको जो भी प्रोसीजर हो रही है उसे होने देना है, बस वेट करना है। चलिए अभी हमारा जो है सेटअप कंप्लीट होने को है दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाओगे विंडोज जो है हमारे इंस्टॉल हो चुका है, विंडोज जो 11 है उसका क्लीन डेस्कटॉप हमें कुछ इस तरीके से मिलता है दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा सारी यहाँ पर क्लीन इंस्टॉलेशन आपको मिलता है। तो दोस्तों आप कुछ इस तरीके से विंडोज 11 को लेटेस्ट वाले अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपके पास में कोई क्वेरीज होगी, कोई डाउट्स होंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका 100% आपको रिप्लाई दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।